स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाता हूँ। आप अपना टिकट या तो अपने मोबाइल में रख लें या तो इस प्रिंटेबल फॉर्मेट में रख लें जिसमें फ्लाइट डिटेल्स मेंशन होती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। मैं अभी रांची के एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। ये रांची का बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है एयरपोर्ट, एंड यहाँ पे अभी आपको मैं पोस्ट कोविड के बाद, कोविड के लाइक 2.5 साल के बाद मैं एयरपोर्ट आ रहा हूँ, एंड चीज़ों और रूल्स एंड रेगुलेशंस में काफ़ी तब्दीलियाँ हो चुकी है, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में। माइंड मत कीजिएगा, आवाज़ की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है अभी क्योंकि काफ़ी हवा बह रही है यहाँ पे एंड काफ़ी नॉइज़ भी है, तो प्लीज़ डो नॉट माइंड। देखिए अभी क्या होता है ना कि आप मान लीजिए जो भी पहले फ्लायर्स है या जो पहली बार एयरपोर्ट में आ रहे हैं या पहली बार वो अगर फ्लाइट में बैठ रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी है, प्लस उनके लिए भी है जो कोविड के बाद भी, कोविड के 2 साल के बाद या कोविड के बाद एयरपोर्ट पर आ रहे हैं और कोई भी फ्लाइट पर वो चढ़ रहे हैं। ये वीडियो वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। कोई भी आप फ्लाइट टिकट लेते हैं, चाहे वो किसी भी फ्लाइट कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से हो या किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू, तो आपको एक टिकट मिलता है दोनों सॉफ्ट कॉपी में भी और प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी। तो आप चाहे तो उसको एक प्रिंट भी करा सकते हैं जैसे मैंने करा रखा है, उसमें सारी फ़्लाइट की डिटेल्स दी रखी रहती है कि कौन सा फ़्लाइट नंबर क्या है, कितने बजे की है एंड कौन सी कंपनी है, और PDF फॉर्म में भी देता है जो व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू आपको आता है। आप चाहे तो मोबाइल में उसको सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हैं अगर आप हार्ड कॉपी अपना निकालना भूल गए हैं या आपके पास प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो आप चाहे तो वो PDF फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है। जो भी हमारे भाई हैं जो कभी फ़्लाइट पर नहीं चढ़े लेकिन उनको इच्छा है चढ़ना, और जो कि आजकल उतनी मुश्किल है नहीं, उतनी कोई बड़ी बात नहीं फ़्लाइट में चढ़ने की, बट जो भी चाहते हैं चढ़ना, तो उनको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाता हूँ। आप अपना टिकट या तो अपने मोबाइल में रख लें या तो इस प्रिंटेबल फॉर्मेट में रख लें जिसमें फ़्लाइट डिटेल्स मेंशन होती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस टाइप का क्यू रहता है किसी भी एयरपोर्ट के बाहर में, जिसको हम लोग डिपार्चर्स बोलते हैं। डिपार्चर्स मतलब जहाँ से फ़्लाइट चढ़ती है या खुलती है, इस टाइप के क्यू रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गार्ड्स वगैरह भी खड़े हैं। फाइन, ये एयरपोर्ट का क्यू है। यहाँ पे बहुत जगह पे 2-3 एंट्रीज होती है क्योंकि रांची एक छोटा शहर है, तो यहाँ एक ही एंट्री है। ये गार्ड्स आप देख रहे होंगे कि सबके टिकट्स वगैरह चेक कर रहे हैं। यही सेम चीज़ आपको भी करना है, आपको वहाँ लाइन पे लगना है। जब वहाँ पर गार्ड पास पहुँचेंगे आपको अपना टिकट दिखाना है। गार्ड बेसिकली आजकल 3-4 चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। आपका आधार कार्ड, एक आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, टिकट देखते हैं, और आपकी फ़ोटो के हिसाब से जो भी आपके डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है आपके फेस मैच करेंगे वो लोग। और मास्क बहुत ही मैंडेटरी है, मास्क के बिना ये आपको अंदर अलाउ नहीं करेंगे। तो इनिशियल स्टेज पे यहाँ से आपको बस अपना टिकट दिखाना है और आप अंदर जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी लाइन में लग के अंदर जाते हैं। ऐसे ही आप गार्ड से चेक इन के बाद आप यहाँ पर निकलेंगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप का काउंटर दिखेगा। ये जो मशीन्स आप देख रहे हैं ये ई टिकट मशीन्स है, मतलब यहाँ से आप बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। मान लीजिए इन केस अगर आपके पास लगेज बहुत कम है, आपको कोई भी लगेज विमान के लगेज काउंटर पे नहीं देना है और सीधे निकलना है, तो आप यहाँ से अपना टिकट नंबर, PNR नंबर डाल के अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं और आपकी प्रोसेस काफ़ी स्विफ्टली और ईजी हो जाएगी। ये बैगेज काउंटर है, यहाँ पर चेकिंग वगैरह होती है, एंड ये मशीन है अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या आपके पास कोई भी लगेज नहीं है सबमिट करने को। अगर आप सिर्फ एक छोटा सा बैग कैरी कर रहे हैं जो आप फ्लाइट में ले जा सकते हैं, 7 किलोज तक अलाउड है, आप यहां से अपना ई बोर्डिंग पास निकाल के आप सीधे चेक इन द्वार के और सिक्योरिटी चेक के लिए जा सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके लगेज की स्कैनिंग होगी, चाहे आप सबमिट कर रहे हैं या चेक इन हो, जो भी हो, अपनी लगेज की पहले स्कैनिंग होती है, फिर वहाँ पर एक स्टिकर चिपका देते हैं नेक्स्ट साइड पर, वहाँ से आपका फिर ये वेरीफाई हो जाता है कि आप लगेज सबमिट कर सकते हैं। एंड ये काउंटर्स बने हुए हैं फ़्लाइट के, हर फ्लाइट के अलग अलग अपने अपने काउंटर्स हैं, एंड देन वे यू कैन गो एंड आप अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने अपना लगेज दे दिया है स्कैनिंग के लिए। लगेज स्कैन करने के बाद ये एक स्टैम्प मारते हैं, एक मोहर मारते हैं, जिससे ये
प्रूफ होता है कि आपकी लगेज की स्कैनिंग हो चुकी है एंड आपके लगेज में कुछ ऐसा कोई सामान नहीं मिला है जो कि प्रोहिबिटेड है या जो कोई मना है एयरपोर्ट ले जाने को। तो अभी स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे एंड उस साइड पे स्कैनर के उस साइड पे ये उस पर मोहर मार देंगे, स्टैम्प मार देंगे और स्टिकर्स लगा देंगे कि हाँ आपका बैगेज चेक हो चुका है। और प्लीज़ ये ध्यान रखेंगे कि आप अपना ये स्कैनिंग ज़रूर करा लें, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करते हैं कल को यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी चेक के पास जहाँ पे गार्ड्स खड़े रहते हैं अगर उन्होंने आपके बैगेज पे वो स्टैम्प नहीं देखा तो वो वापस से आपको भेज देंगे, जो कि एक फिर से आपको वापस से सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ज़रूर ध्यान दें कि आपको स्कैनिंग के बाद आपके लगेज पे स्टैम्प लग जाए। तो चलिए स्कैनिंग के बाद हम उस साइड मिलते हैं, हमारा स्टैम्प जब लग जाता है तब आपसे बात करते हैं। देखिए जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा लगेज चेक होने के बाद कुछ टाइप का स्टिकर उन्होंने लगा दिया फ्लाइट वालों ने। इसका ये मतलब है कि हमारा लगेज की चेकिंग हो चुकी है और उसमें कोई भी आपत्तिजनक या कोई भी प्रोहिबिटेड चीज़ हमने नहीं कैरी किया है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं जहाँ से आपको बोर्डिंग पास लेना है। लगेज सबमिट करने के बाद अब आपको सिक्योरिटी चेक यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है सिक्योरिटी चेक जो आप देख रहे हैं आपको उसके तरफ जाना है एंड वहाँ पर आपकी बोर्डिंग पास की जाँच होगी, चेक होगा, आपके फ्लाइट सब मैच होंगे एंड आपकी बॉडी की स्कैनिंग होगी कि आप अपने साथ कुछ मेटल या कोई वेपन तो कैरी नहीं कर रहे या जो भी प्रोहिबिटेड चीज़ है वो कैरी नहीं कर रहे एंड वहाँ पे ये आपका लास्ट एंड फाइनल है। यहाँ से फिर आपका आगे आपको ये प्रस्थान के लिए भेज देंगे, वहाँ से आप फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पर चेकिंग होती है। पहले हम सिक्योरिटी चेक के बाद अब बाहर आ गए हैं लगेज स्कैनिंग के साथ और यहाँ से आपकी विंडोज़ निकल के आती हैं कि कौन सी फ़्लाइट कौन से गेट नंबर से खुलेगी। आप चाहें तो यहाँ पे अपना चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि कौन, आप अपने फ़्लाइट नंबर चेक कर लीजिए, टाइमिंग चेक कर लीजिए और कौन से गेट पे है वहाँ चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद अपने रेस्पेक्टिव गेट्स के पास जा सकते हैं। ये गेट वाला एरिया है, ठीक है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो फाइनली आफ्टर लॉन्ग वेट हमारी फ़्लाइट वहाँ पर लग चुकी है, एयर एशिया की फ़्लाइट है एंड वो एयर ब्रिज से कनेक्ट हो रही है, इसे एयर ब्रिज बोलते हैं जिसके थ्रू आप इस फ्लाइट में बैठेंगे, इसको एयर ब्रिज बोलते हैं। ये रहा इसका एंट्रेंस और ये सीधे ब्रिज जाके फ्लाइट में कनेक्ट होती है जहाँ पे आप उससे इंटर करेंगे, फ़्लाइट के अंदर घुस सकेंगे एंड टाइमली हमारा बोर्डिंग भी स्टार्ट होने वाला है, जस्ट 2 मिनट्स के अंदर हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम आपको ब्रिज में जब जाएंगे, ब्रिज के अंदर जो एयर ब्रिज है जब उसके अंदर जाएंगे तो हम एक वीडियो कैप्चर करेंगे जिससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। अब हम एयर ब्रिज के थ्रू फ्लाइट में जाने वाले हैं, ये एयर ब्रिज है जो सीधे फ्लाइट के अंदर जाके कनेक्ट होता है एंड डायरेक्टली हम फ्लाइट के अंदर बैठ सकते हैं। अभी यहाँ पे एक लंबा क्यू है, बहुत ही करीब है फ्लाइट के अंदर जाने को, ये रांची के एयरपोर्ट कुछ इस तरीके का है। इट्स अ गुड वन, बस कुछ ही सेकंड्स में लाइक विद इन 2 मिनट्स विल बी इनसाइड द फ्लाइट। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं दिल्ली में एंड ये यहाँ का एग्जिट है। अब हम जा रहे हैं अपना बैगेज क्लेम करने के लिए जो कि बेल्ट नंबर 6 पे मिलेगी। जो भी लोग पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं आपके बेल्ट की इंक्वायरी और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको फ्लाइट में ही बता दी जाएगी अनाउंसमेंट के थ्रू एंड फिर आप वहाँ पे पर्टिकुलर बेल्ट नंबर, हर बेल्ट के सामने एक नंबर लिखा हुआ है, आप उस बेल्ट नंबर पे जाइए और अपना सामान जो कि आपने चेक इन करा है, जो बड़े बड़े लगेज वगैरह है अगर आपके पास जो आपने चेक इन करा है वो जाके आप क्लेम कर सकते हैं, अपना ले सकते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल प्रोसेस है, उतनी कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। आप इजीली जाएंगे अपने पर्टिकुलर बेल्ट नंबर के पास और अपना बैगेज क्लेम कर ले। अभी मैं अपने बेल्ट नंबर 6 पे जा रहा हूँ अपना बैगेज क्लेम करने, हमने 2 चेक इन किए थे। देखिए कुछ इस तरीके से आपके लगेज आएंगे ये बेल्ट से,